तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि 95 MB तक हो गई है, 128 MB की है। तो ये फटाफट अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हमें अपलोड ही नहीं करना, उसके पीछे भी मतलब अपलोड करने के साथ साथ भी हमें बहुत सारी चीज़ करनी होती है जो कि हमारे वीडियो को मतलब रैंकिंग में मतलब कि व्यूज़ आने में बहुत मदद करती है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो किस पर है कि हाउ टू क्रिएट प्लेलिस्ट। ये वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाई है कि मैं प्लेलिस्ट अपने YouTube चैनल का कैसे बनाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी होगी तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। लेकिन दोस्तों, आप तो इसे अपलोड कर रहे हो, इसका आपने टाइटल तो लिख दिया है, YouTube में ही डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आप टैग्स भी थोड़ा बहुत लिख दिया करो, जैसे कि हाउ टू क्रिएट प्लेलिस्ट फॉर अवर यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक प्लेलिस्ट, हाउ डू आई मेक अ प्लेलिस्ट फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ऐसे आप टैग्स डाल दिया करो, जैसे कि YouTube को भी समझ में आए कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए हो। और दोस्तों आपको एडिट थंबनेल का मिल जाएगा ऑप्शन, आप इधर से अपना थंबनेल भी लगा सकते हो। तो दोस्तों बहुत लोग का क्या होता है, थंबनेल नहीं लग पाता। तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, वो प्रॉब्लम आ जाती है लर्न मोर की, आपको बार बार लर्न मोर का ऑप्शन देगा, लेकिन दोस्तों उसकी वीडियो में उस पर भी मैं बनाया हूँ, वो प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से लिख दूंगा वो वीडियो का पहले डिस्क्रिप्शन, आप उस पर क्लिक कर देना, लिंक पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो दोस्तों ऐसे देखो, आप देख सकते हो मैंने इधर टाइटल दे लिया, हाउ टू क्रिएट प्लेलिस्ट विदाउट यूजिंग क्रोम, मैं विदाउट क्रोम के प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करें, माय ओन एक्सपीरियंस टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे मैं टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, और इधर मैं अपनी वीडियो को पब्लिक रखा हुआ, लिस्टेड भी, प्राइवेट कुछ भी रख सकते हो, टैग्स भी डाल दिया, थंबनेल भी डाल दिया। मतलब दोस्तों आपको ये सब चीज़ करनी होती है, बाद में ये सब चीज़ को सेव करना होता है। मेरी ये वीडियो अपलोड हो गई है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब मेरी ये वीडियो रेडी हो गई है वॉच होने के लिए, अब देखते हैं मेरी ये वीडियो पर व्यू कितने आएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी वीडियो को अच्छा बना सकते हो, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक भी करेगी।